ट्रैक्टर मार्च उन्होंने हर हालत करना कढ़ना हैगा, लेकिन हुण जिवें एक सहमति पुलिस के नाल बनी है, पुलिस ने उन्होंने एक सहमति अपनी दी है, तो उसनों उन्होंने उत्साह होर बढ़ गया, क्योंकि हुण टकराव की जिहड़ी गुंजाइश सी वो खत्म हो गई है। टकराव नहीं होएगा, टकराव का खदशा बनया होया सी कि किवें, क्योंकि ट्रैक्टर कढ़ने रैली जिहड़ी कढ़नी सी किसानां नूं अगे वधना सीगा ते पुलिस नूं भी उत्थे अपनी कार्रवाई करनी सी। हुण ये सहमति बनी है कि पुलिस तो जिहड़े बैरीकेडिंग की हुई है, जिहड़े पत्थर वड्डे वड्डे राहां 'च रखे हुए ने, वह सारे पुलिस उन्हां नूं राह खाली करके देवेगी ते रूट उहदा फाइनल जिहड़ा है वह कर दिता गया है। तो इन चारों पासे तो जिहड़ी ट्रैक्टर मार्च ट्रैक्टर परेड जिहड़ी होनी है उसके लिए जी राह साफ हो गई है, तकनीकी तौर पर भी साफ हो गई है, कानूनी तौर पर भी साफ हो गई है, सारी बाधावां दूर हो गई। तो किसान जड़े ने हुण उन्होंने भी चैन की सांस लीती है, वो 26 तरीक न इत्थे ट्रैक्टर परेड करनगे, लेकिन वो 12 बजे का समा जिहड़ा दिता गया क्योंकि उस तो पहला राजपथ उत्ते जी परेड होएगी उसनों कोई उन्होंने लैके कोई किसी प्रकार का कोई खदशा खड़ा ना हो, सुरक्षा के कोई सवाल खड़े ना होन, ता करके इन्हों 12 बजे का समा जिहड़ा दिता गया। तो किसान हुण खासे खुश नज़र आ रहे हैं और 26 तरीक की तैयारियों के भी जुटे हुए ने। तो पिछों पंजाब हरियाणा ते उत्तर प्रदेश राजस्थान तो जिहड़े इलाके ने उन्हां तो कल तो ही ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला जिहड़ा शुरू होया सी ते अज होर तेज़ होने वाला है, कई वड्डे काफिले जिहड़े चल रहे ने ते अज इत्थे आ के पहुँचणगे। तो यह भी गल साफ की गई है मनप्रीत के सिर्फ ट्रैक्टर ही जिहड़े दिल्ली दे विच दाखल होणगे, ट्रालियां उत्थे ही रहणगे, जिहड़ी ट्रालियां लैके आए हुए ने ट्रैक्टरां दे नाल ही परेड होएगी। तो सारे जिहड़े रूट उन्हां नूं दस्से गए ने ते उन्हां किसानां नूं भी एक भरोसा पुलिस नूं दित्ता है कि सारे परेड करने तो बाद वापस अपनी अपनी थावां ते आके खलो जाएंगे। राजेश जी, रोड मैप की गल की जाए तो रूट किसानों के वालों अज फाइनल किया जाएगा, हालांकि ऑलमोस्ट फाइनल कर भी लिया गया, पर इस बारे ये भी जानना चाहवांगी कि दिल्ली के जिहड़े जिहड़े बॉर्डर ते किसान बैठे ने उत्थों ही परेड होएगी। बिल्कुल, वेखिए जिहड़े जिहड़े थावां ते किसान बैठे ने उत्थों ही परेड होएगी और मनप्रीत एक टेंटेटिव जिहड़ा सूत्रां दे राहीं जिहड़ा साडे कोल एक रोड मैप आया है उन्हों समझण दी असीं कोशिश कर सकते हैं। सिंघू बॉर्डर ते जिहड़े किसान बैठे ने वह सिंघू बॉर्डर तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट कंजावला बवाना से वापस सिंधू बॉर्डर तक वापस आएंगे। टिकरी बॉर्डर ते जेकर असीं किसानां दी गल करिए तो उत्थे चल के नांगलोई नजफगढ़ ढांसा बदली KMP से होंदे होए वापस टिकरी तक पहुँचणगे। तो जेकर गाजीपुर की गल करिए गाजीपुर तो चल करके अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद दुहाई होते होंदे हुए सीधे गाजीपुर पहुँचणगे। एवें ही सांझापुर बॉर्डर के जिहड़े बैठे ने किसान वह भी गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने उन्होंने अजे निर्णय नहीं लिता है, तो पुलिस ने जिहड़े पलवल के किसान उत्थे बैठे ने बॉर्डर से उन्होंने भी कोई निर्णय अजे फाइनल नहीं हो। जिहड़ा मैं तुहानूं अपने दर्शकों को रूट जिहड़ा दस्सिया वह टेंटेटिव हैगा, अजे थोड़ी देर तो बाद इस दे उत्ते ऑफिशियली जिहड़ी है मोहर लगनी बाकी है। तो जिहड़े दो होर असी बॉर्डर की गल की है पलवल तो दूजे की उन्होंने भी फाइनल हो जाएगा, तो किसानों के नाल सहमति के नाल ही सारे रूट फाइनल किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दिल्ली के विच खड़ी ना हो गणतंत्र दिवस के मौके के उत्ते, तो किसानों नूं भी कोई दिक्कत ना आन, तो रूट योजे बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैक्टर एक थान तो चलन तो पूरा रूट लैके घूम के वापस अपनी थावां ते भी आ सकन। बिल्कुल, पहला किसानों के वालों कहा गया कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही वो परेड करेंगे और पर हुण कह रहे हैं कि कितना कितने और आ उन्होंने घट पै रहा है क्योंकि ट्रैक्टर की तादाद ज़्यादा है। सो यानी कि 100 किलोमीटर घट्टो घट ट्रैक्टर परेड होएगी। राजेश जी बिल्कुल, मनप्रीत तो देखिए रिंग रोड का जोड़ा रूट बनता सो 45-50 किलोमीटर का बनता स, एक जोड़ा आकलन किया गया कि ट्रैक्टर की तादाद बहुत ही ज़्यादा हैगी है, तो हूँ वधन वाली भी है, पिछों भी ट्रैक्टर बहुत आ रहे हैं। तो पुलिस के नाल आई सहमति बनी है कि यह जोड़ा रूट है रिंग रोड का छोटा पेगा, तो करके अड अड जे रूट ने तय किए गए हैं ताकि जाम की जी स्थिति ना बने, ट्रैक्टर भी उत्थे फस जाण ते उत्थे दिक्कत आ जाएगी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के विच भी, तो जिहड़े किसान जाणगे उन्हां दे लई भी दिक्कत खड़ी हो सकती है ने, ता करके अड अड रूट जिहड़े ने वो फाइनल किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर इस विचाले राजेश जी एक खुशनुमा माहौल कह सकते हैं कि बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि 26 की परेड को लैके काफ़ी ज़्यादा खदशे जो ने जाहिर किए जा रहे थे, पर हुण दिल्ली पुलिस वालों इजाजत दिता जाना अपने आप दे विच एक खुशगवार माहौल बनता दिखाई दे रहा है।
जाहिर तौर पर मनप्रीत किसानों के खुशी है, उत्साह है, क्योंकि उन्होंने जिमें एक ऐलान किया सीगा ते दिल्ली पुलिस चार बारी दी मीटिंगा दे विच उन्होंने जोड़े रूट प्लान से उन्होंने खारिज कर चुकी सी। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया सीगा कि किसानों को दिल्ली के नहीं एंटर होने दिता जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस वेखे कि कौन दिल्ली के आएगा कौन नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला पुलिस दा है। तो कुल मिला के जिमें पुलिस ने बैरीकेडिंग वड्डे तौर पर खड़ी की सी, हुण पुलिस खुद बैरीकेडिंग हटाएगी तो दिल्ली के आने की परमिशन जिमें दी गई है। तो किसान इन्हों एक वड्डी जित भी मान रहे हैं तो उन्होंने उत्साह तो खुशी का माहौल भी बनया हुआ है। एक आखिरी सवाल यही लेना चाहवांगी कि ट्रैक्टर जो ने वक्खो वक्ख तरीके दे नाल शिंगारे गए ने, किस तरह का माहौल जो है जिथे तुसी मौजूद हो उत्थे देखने मिल रहा? वेखिए मनप्रीत, बिल्कुल ट्रैक्टर सिंगारे गए ने और पंजाब के जोड़े ट्रैक्टर ने उंज भी सिंगरे हुए होंगे ने, उन्होंने उत्ते रंगीन चोटियां रंगीन रिबन तो उत्ते टेप के उत्ते रंगीन जोड़े कलर ने उन्होंने उत्ते कुछ ना कुछ लिखा हुआ होंगे है। तो इस तो आड़े वड़े वड़े स्पीकर लगे होंगे ने, उन्होंने उत्ते किसानी के गाने अजक बज रहे हैं तो पूरे गाजे बाजे के नाल ट्रैक्टर इतने गज बज के आए हुए हैं। तो मुजाहरा जोड़ा है वह वेखन को मिलेगा ट्रैक्टर परेड के वाले दिन। बिल्कुल, यानी कि दिल्ली दियां बरूहां ते हुण पंजाब दे ट्रैक्टर और कह सकते हैं देश भर के ट्रैक्टर जो ने दौड़न। फिर बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम।